मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैन सी हियर क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस बिकॉज हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में लर्न किया था अब हम प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन देखेंगे जिनमें फर्स्ट है एलिमेंट एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स जो एलिमेंट हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि एक ही टाइप के एटम को कंटेन करते हैं जिनमें एक ही टाइप का एटम होता है उसे एलिमेंट कहा जाता है जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर है सिल्वर है गोल्ड है ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सभी जो है एक ही टाइप के आइटम कंटेन कर रहे हैं ये सभी एलिमेंट्स हैं हंड्रेड एंड ट्वेल्व एलिमेंट्स नोन अब तक हम वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व एलिमेंट्स का पता लगा चुके हैं हम जानते हैं इनके बारे में एंड नाइनटी टू इन नेचर आउट ऑफ एलिमेंट्स और इस तरह से अगर हम देखें तो वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व एलिमेंट जो है उनमेंट हैं वो नेचुरली जनरेट हुए हैं हैं नेचुरली बने सेकेंड है अ प्योर सब्सटेंस विच कैन बी डी कम्पोज इन टू सिंपलर सब्सटेंसेस बाई समबल केमिकल मैथड ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहते हैं जिसे किसी सुटेबल केमिकल मेथड के हेल्प से सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज किया जा सकता है तोड़ा जा सकता है सो so, ऐसे प्योर सब्सटेंस जिन्हें किसी सुटेबल केमिकल मेथड के थ्रू किसी सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जा सकता है उसे कंपाउंड कहते हैं अ कंपाउंड इज फॉर्म बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑमो एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट प्रपोसन बाई मास और यहाँ पे बताया गया है कि कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं तो जो कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन इस तरह से होता है कि उनमें दो या उससे ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने मास के डेफिनेट प्रपोसन में जब दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं इट मीनस सेम मास के सेम मास के टू और मोर जो एलिमेंट्स हैं जब आपस में कम्बाइन होते हैं तो इससे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है नाउ वी कैन सी केमिकली कंबाइंड टुगेदर दे वेरिएबल कंपोजिशन यहां पे बताया गया है कि ऐसे सब्सटेंस जो दो या उससे ज्यादा प्योर सब्सटेंस जो कि केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो सब्सटेंस बने होते हैं उसे मिक्सचर कहा जाता है और ये डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर अलग-अलग कंपोजिशन -अलग को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से ऐसे सब्सटेंस जो दो या उससे ज्यादा प्योर सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और ये कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता तो इस तरह के जो सब्सटेंस हैं या कंपाउंड्स हैं उनको मिक्सचर कहा जाता है और इस तरह से ये वेरिएबल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एग्जाम्पल है एयर मिल्क सीमेंट एक्सेट्रा देन हम देखेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ मिक्सचर मिक्सचर के टाइप्स लाइक फर्स्ट होमोजिनस मिक्सचर इज सेट टू बी होमोजिनस इफ इट अ यूनिफॉर्म कम्पोजिशन थ्रू आउट एंड देयर आर नो ज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूंट यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है जिनमें यूनिफॉर्म कम्पोजिशन होता है और साथ ही इनमें जो है विजिबल बाउंड्रीज जो कि उनके अः कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं उनके बीच में सेपरेशन के लिए जिनमें विजिबल बाउंड्रीज नहीं होता और जो यूनिफॉर्म कम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसे होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है

visible boundaries of separation between the various constituents. Heterogeneous mixture ऐसे mixture को कहा जाता है जिनमें एक specific composition नहीं होता या हम कह सकते हैं कि uniform composition नहीं होता है और साथ ही इनमें जो constituents होते हैं उनमें visible separation boundaries पाई जाती है जो constituent particles होते हैं उनके बीच में जो boundaries है separation boundary वो visible होता है पाया जाता है और जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ऐसे जो मिक्सचर हैं उसको हाइड्रोजिनस मिक्सचर कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड आयरन फिलिंग जैसे सैंड है और आयरन फिलिंग्स हैं इन दोनों को आपस में अगर हम कंबाइन कर दें तो वो हाइड्रोजेनस मिक्सचर होगा सैंड एंड वाटर ये दोनों का मिक्सचर भी हाइड्रोजेनस मिक्सचर होगा